मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्न्ड अबाउट हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सॉल्व द इक्वेशन एंड हाउ वी वेरीफाई आवर आंसर। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। दैट मीन्स आपको एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको इसको सॉल्व भी करना है और आपको इसको वेरीफाई भी करना है कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है या नहीं। देखिए, यहाँ आपको दोनों तरफ वेरिएबल्स दे रखे हैं। मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि अगर दोनों साइड हैं कॉन्सोनेंट और वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। यानी एक साइड आप वेरिएबल्स रखेंगे, नेक्स्ट साइड आप कॉन्सोनेंट रखेंगे और फिर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, 2x इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे एंड 18। ओके, 3x में से 2x चला गया, आपके पास बचा है x इज इक्वल टू 18। यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 18। वेरीफाई करेंगे आप। वेरीफाई क्यों करते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि जो आपने इक्वेशन की सॉल्व किया है वो आपका करेक्ट है। 2x प्लस 18 ये आपकी इक्वेशन है। अब जहां पर भी x है वहां आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है इसके बीच में, मल्टीप्लाई 2 इंटू 18 प्लस के 18। x की वैल्यू आपके पास 18 आई है। 8 थ्री जा 24, 3 वन जा 3 और 5 इज इक्वल टू 18। 2 जा 36 प्लस 18, 54 ऐड कर देंगे, ऐड का साइन है, ऐड कर देंगे 14, 4 और 5। यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ ही है। दैट मीन्स आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मीन्स राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। मैंने आपको पहले भी बताया था वेरिएबल्स एक्स या वाई ही नहीं हो सकता, ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5t प्लस के 3 है, माइनस के हो जाएंगे। माइनस का 5, ये माइनस का 3 है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ओके, 5 माइनस 3 2 टी इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस के 5 है प्लस के 3, यानी होगा तो श्योर है कि माइनस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 जो है माइनस की, यानी माइनस के 2। यानी टी इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 2, यानी टी इज इक्वल टू माइनस 1। यानी आपके जो वेरीफाई की इक्वेशन सॉल्व की है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, माइनस 1 आई है। अब जो ये माइनस 1 है इस इक्वेशन में आप फॉर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1 आप ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 5। ओके, माइनस के 5 माइनस के 3, माइनस के 3 माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 8। यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स आपने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। देखिए कैसे करेंगे, 5x प्लस का 3x है इधर ट्रांसफर होगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस का, प्लस के 9 है इधर आएंगे माइनस के जाएंगे। 3 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस होगा बिकॉज यहां माइनस की डिजिट बढ़ी इसलिए साइन माइनस का आएगा। 9 माइनस 5 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2। यानी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास क्या आएगी, माइनस 2। वेरीफाई करेंगे आप इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू रखेंगे, 5x
प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x. 5 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, माइनस की 2 प्लस 9, 5 प्लस 3 और माइनस के 2. 5 टू जा 10 प्लस 9, 5 प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6. 10 माइनस 9 माइनस का 1, क्योंकि माइनस के 10 है और ये माइनस का 1, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आर है राइट हैंड साइड के इक्वल है. माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी आपका सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x. देखिए 2x माइनस का x है प्लस का हो जाएगा, 14 माइनस 1 है प्लस 1. 2 प्लस 1 3x इज इक्वल टू 15, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 15 बाय 3, x इज इक्वल टू 5. आपके पास क्या है, 5 है, ठीक है ना. x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 5. वेरीफाई करेंगे आप इक्वेशन आपकी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x. x की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 1, 14 माइनस 5, 10 माइनस 1, 14 माइनस 5, 9. 10 माइनस 1, 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फ्रैक्शन में है. फ्रैक्शन में आप कैसे सॉल्व करेंगे 2x बाय 3, ओके. ये यहाँ पे प्लस के हैं, अपने इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 3, प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का. अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में है और प्लस माइनस का साइन है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम किसका लिया जाता है, ऑलवेज डिनोमिनेटर का. 3 से करेंगे 1, 3 5 जा 15, 5 1 एंड 1, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 15. तो क्या करेंगे आप, 15, ओके. 3 से 3 5 जा 15, 15 इंटू 5 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 7x, क्या बचा 3 माइनस 1 2, 5 टू जा 10x माइनस की 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2, ओके. क्या बचा आपके पास, 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2, कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे. BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 15, 3x इज इक्वल टू 15 टू जा 30x इज इक्वल टू 30 बाय 3, दैट मीन्स 10. यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 10. वापिस समझिए कैसे किया अपन ने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को. ये जो वेरिएबल्स हैं इनको अपन ने वन साइड ले लिया लेफ्ट हैंड साइड और कॉन्सोनेंट को ले लिया अपन ने राइट हैंड साइड, ठीक है. 7x बाय 15 प्लस के हैं, इधर शिफ्ट हुए माइनस के हो गए, यहाँ 1 प्लस का है, इधर शिफ्ट हुआ माइनस का हो गया. अब आपको पता है कि जब फ्रैक्शन में है बीच में प्लस माइनस का साइन है तो अपन क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं. एलसीएम अपने पास कितना आया था, 3 5 जा 15, 15 डिनोमिनेटर टू डिवाइड, देन जो आंसर आया था उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. साइन आप वही लगाएंगे जो आपको गिवन है, ओके. तो लास्ट में आपकी इक्वेशन क्या आई, 3x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 बाय 3 यानी 10. अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जहां पर भी x है आप क्या करेंगे, वहां 10 लिख देंगे. 2 इंटू 10 प्लस बाय 3 प्लस 1, 7 इंटू 10 बाय 15 प्लस 3, ओके. 20 बाय 3 प्लस 1, 70 बाय 15 प्लस 3, ऐसे हम लेके इसको सॉल्व कर देंगे. यहाँ क्या आ जाएगा, 3 और 1 का 3, यहाँ आ जाएगा 3 वन जा 3 और 20 प्लस 1 से क्या 3 का 3 इज इक्वल टू क्या, ऐसे हम आएगा 15, 15 से 1, 15 किया 1 यानी 70 प्लस 15, 17 5
15 थ्री जा 45, वन से क्या 15, 15 टू 30, 15 थ्री जा 45, क्या हो गया आपके पास 23/3 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 115/15। अब आप कहेंगे मैम ये तो सेम है ही नहीं, ये देखिए कट हो जाएंगे 5 की टेबल से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 3 जा 15 और ये 5 3 जा 15, दैट मीन्स 23/3 एंड 23/3। देखिए 5 2 जा 10 क्या बचा आपके पास 1, 5 3 जा 15, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आर राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स आपने जो इक्वेशन सॉल्व की है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ओके तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5, ये प्लस का था इधर शिफ्ट किया अपन ने, क्या हो गया माइनस का हो गया, तो आपके पास बचा माइनस के 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5, m इज इक्वल टू माइनस 8/5 और ये जो क्या है माइनस 2 भी क्या आ जाएंगे इसके डिवाइड में आ जाएंगे। जब आपको पता है कि फ्रैक्शन में है डिवाइड का है, तो जब अपन उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिजिट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट मीन्स माइनस 8/5 मल्टीप्लाई 1/-2, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 4, यानी कि m इज इक्वल टू 4/5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी आपके पास m की वैल्यू क्या आई है 4/5। वेरीफाई आप कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई करेंगे 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, 3 × 4/5, 5 × 4/5 − 8/5, ठीक है 3 × 4 = 12/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 − 8/5, यहाँ आपको एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, 5 आएगा, 1 से किया 5 को 5 टाइम 5 × 4 = 20 माइनस 1 टाइम 1 को किया 8 से 1, यानी 12/5 इज इक्वल टू 12/5, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, दैट मीन्स आपने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट। यहाँ एक बार वापस समझ लीजिए, जैसे ही अपन देखिए −8/2 / −2, ठीक है ना, डिवाइड करना है आपको क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो जब अपन इस डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो डिवाइड के बाद की जो डिजिट है वो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी हो जाएगी। ओके 1/2 कैंसिल 2 4 जा, यानी आपका आंसर क्या आएगा 4/5। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर आपको कोई क्वारी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इवनिंग बिटवीन 5 to 6 PM, ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, 2 or 3 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, देन जब मैं आपको PDF सेंड करूंगी सारे क्वेश्चंस आप फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।